गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किंजल, मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस आज के वीडियो में मैं आपके साथ मॉनसून हैक्स शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, बारिश आ गई है यहाँ, तो दो चार बार बारिश आ गई है। आपके यहाँ आई है या नहीं पहली बारिश, मुझे नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और जितने हॉल्स जरूरी है उतने ही मॉनसून हैक्स भी जरूरी है गाइस हर किसी के लिए। आज के वीडियो में मैं रियल प्रॉब्लम रियल सॉल्यूशन आपको बताने वाली हूँ। चाहे आप बॉय हो, गर्ल हो या आप हाउसवाइफ हो, हर किसी के काम आएंगे वो टाइप के हैक्स है। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर दीजिए, हो सके इतना शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलो हमारे हैक्स को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला, घर में जो हमारा जो फर्नीचर होता है गाइस वो लकड़ी का होता है, हर किसी के घर में लकड़ी का होता है, आपको पता ही है। मॉनसून जब आता है वहां पे फंगस आ जाती है, आप लोगों ने देखा होगा हमारा फर्नीचर है वो बिगड़ जाता है, गंदा हो जाता है। तो वो ना आए उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी ऑयल ले लो, घर के खाने का जो ऑयल होता है वो ले लो, कोई भी ऑयल ले लो, हेयर ऑयल ले लो, कुछ भी ऑयल ले लो। और आप ब्रश जो आता है हम कलर करते हैं, कलर पेंट घर पे करते हैं दीवारों पे, वो वाले ब्रश से आप पूरा फर्नीचर है ऑयल लगा दो पूरे फर्नीचर पे, तो पूरे मॉनसून में आपका फर्नीचर है सेफ रहेगा और बिल्कुल भी उसमें फंगस नहीं आएगी। अपना आपका जो फर्नीचर है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। टिप्स नंबर टू कि हम जब बारिश होती है तो बहुत सारा मन करता है बाहर का खाने का, पकौड़े बनाने का मन करता है, ये खा लिया वो खा लिया, तो वो नहीं करना चाहिए। हाँ मन करता है तो कभी कभी कोई बात ठीक है, लेकिन जब बारिश का सीजन होता है सबसे ज्यादा बीमारी आप लोगों ने देखी होगी तो बारिश में फैलती है, पानी की वजह से फैलती है, खाने की वजह से फैलती है। तो आप मन करता है तो घर पे कभी कभी बनाइए, लेकिन बाहर का तो हो सके इतना अवॉइड कीजिए और बच्चों को तो बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि बाहर का जो होता है पानी मिक्स होता है उसकी वजह से कॉलेरा टाइफाइड बहुत सारे रोग हो सकते हैं। अभी तो चिकनगुनिया भी चल रहा है और भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं गाइस, मतलब कि बीमारी आ सकती है। सो बाहर का खाना गोलगप्पे वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए मॉनसून में, पानी बहुत गंदा होता है। हम लेडीज की आदत होती है गोलगप्पे खाने की, कभी कभी खा लेते हैं, तो वो कभी नहीं खाने चाहिए मॉनसून सीजन में, नहीं खाने चाहिए। दूसरी बात कि क्यों नहीं इतना हैवी खाना चाहिए, क्योंकि मॉनसून जब होता है तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो बहुत वीक हो जाता है मॉनसून की वजह से, तो वो अच्छे से पचा नहीं पाता है। सो हैवी खाना हो सके इतना अवॉइड कीजिए, स्पेशली ऑयली खाना, जंक फूड और पकौड़े वगैरह है वो अवॉइड कीजिए हो सके इतना, मतलब कि लाइट खाना जो होता है खिचड़ी वगैरह होता है, सब्जी रोटी वगैरह होता है, वो ही प्रीफर कीजिए, तो आपको मतलब कि पेट वगैरह की जो बीमारी है वो नहीं आएगी, डाइजेशन की जो तकलीफें होती है मॉनसून में वो नहीं आएगी और जो कॉलेरा टाइफाइड है उससे भी हम बच सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि गाइस अगर आप मतलब कि आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो, टीनेजर हो या वर्किंग वूमन हो, आप घर के बाहर जाते हो, थोड़ा टचअप करके जाते हो, थोड़ा मेकअप करके जाते हो, तो हो सके इतना अवॉइड कीजिए, क्योंकि बाहर जाओगे बारिश जब आएगी तो आपका सारा जो मेकअप है वो उतर जाएगा गाइस, और नहीं उतरेगा तो भी क्या होता है कि स्प्रेड हो जाता है, काजल है, आईलाइनर है, लिपस्टिक ले लो, अगर वाटरप्रूफ नहीं है तो स्प्रेड हो जाता है। तो अगर आपको करना ही है तो आप वाटरप्रूफ कीजिए और हो सके इतना कम कीजिए ताकि आपका फेस जो है वो इतना गंदा ना हो जाए जब पानी गिरे या स्प्रेड हो उसके बाद, तो वो टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो आता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे हेयर के बारे में, हमारे हेयर जो है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, आपने देखा होगा डैंड्रफ भी हो जाता है बहुत सारे लोगों को, तो उसकी वजह उसको क्या करना है कि अब आपको जब भी बारिश आती है और बारिश में भीगने का मन करता है तो कभी भी ड्राई हेयर में मत भीगिए, ऑलवेज हेयर में थोड़ी थोड़ी चंपी कर लीजिए। ऑयल वाले जो हेयर होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं बारिश के पानी में, तो ऑयल वाले हेयर में आप भीग सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपके हेयर में डैंड्रफ भी आ जाएगा, ड्राइनेस भी बहुत ज्यादा आ जाएगी और आपको आपके जो हेयर है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो फिल्टर नहीं होता है। और पहली बारिश जो आती है बहुत लोग बोलते हैं कि पहली बारिश में भीगना चाहिए, लेकिन वो बात गलत है गाइस, पहली बारिश में कभी भीगना नहीं चाहिए। उसका साइंटिफिक रीजन है, ये सारे जो है मैं साइंटिफिकली ही बता रही हूँ, उसका साइंटिफिक रीजन है कि जब पहली बारिश गिरती है तो जो एटमॉस्फेयर होता है, जो हवा वगैरह होती है, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारा धुआं, बहुत कुछ होता है,
वो सारा पानी के साथ नीचे आता है और वो सारे पानी के मिक्स होके नीचे हमारे ऊपर गिरता है और हम ऐसे पानी में भीगते हैं। उसके बाद हमारे हेयर स्किन सारा डैमेज हो जाता है। तो पहली बारिश हो सके इतनी अवॉइड कीजिए, उसके बाद की बारिश में आप भीग सकते हो गाइस। उसके बाद गाइस जब हमारे हेयर में डैंड्रफ हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल है, कैस्ट्रोल ऑयल है, कोई भी ऑयल ले लीजिए, उसके साथ 3 से 4 ड्रॉप्स आप टी ट्री ऑयल के ऐड कीजिए और डबल बॉयलर में उसको थोड़ा सा गुनगुना सा गर्म कर लीजिए। उसके बाद उससे चंपी कर लीजिए और आधे घंटे या 1 घंटे बाद हेयर वॉश कर लीजिए तो आपका डैंड्रफ चला जाएगा। गाइस ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम में ही चला जाता है। और जो मैं टी ट्री ऑयल यूज करती हूँ वो गुड वाइब्स का करती हूँ क्योंकि वो अफोर्डेबल होता है, उसके अलावा भी आपको नायका पे मिल जाएगा तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, कोई भी टी ट्री ऑयल यूज कर सकते हो। और ऑयल के साथ मिक्स करो, कोकोनट कैस्ट्रोल कोई भी ऑयल ले लो, आपको जो पसंद है आलमंड ऑयल भी ले सकते हो आप, तो आपका डैंड्रफ है वो परमानेंटली चला जाएगा। डैंड्रफ की प्रॉब्लम हमें मॉनसून में बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है मॉनसून में, स्पेशली हाथ जो होते हैं यहाँ का पोर्शन होता है या पैर का पोर्शन होता है जहाँ मतलब ऐसा आता है खांच वगैरह जो ये वाला पोर्शन होता है वहां पे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। उसको अवॉइड करने के लिए आप बारिश में मत भीगिए, अगर बाहर जाते हैं और मतलब कि भीगना पड़ा, बारिश आ गई, अगर आप जॉब करते हो, वर्किंग वूमन हो या बॉय हो गर्ल हो जो भी हो, घर के बाहर आपको रेगुलर बेस पे रोज जाना होता है तो आप घर पे आके तुरंत सबसे पहले नहा लीजिए, शावर ले लीजिए ताकि जो भी डस्ट है, जो भी मतलब जर्म्स वगैरह आपकी स्किन पे लगे हैं वो सारे निकल जाएंगे तो आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हो गाइस, तो वो यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं उसके बाद जो आता है अब नीम के जो पत्ते आते हैं गाइस, नीम के पत्ते हर जगह अवेलेबल होते हैं, आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं नीम का ट्री आपको मिल ही जाएगा। नीम का पत्ते जो आते हैं उसको पानी में डाल दीजिए थोड़े और उसको बॉईल कर लीजिए, उसका पानी आप अपने नहाने में यूज कर सकते हो तो आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हो गए, जो जर्म्स हो गए वो तो निकल जाएंगे, लेकिन मॉनसून में भी जो प्रॉब्लम आती है फंगल वगैरह की वो नीम के पत्ते से कभी नहीं आती। तो नीम के पत्ते को उबालो, उसका पानी बनाओ और उससे आप नहाओ तो आपकी स्किन में जो फंगल इन्फेक्शन होगा वो नेचुरली चला जाएगा, आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत ज्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप हो सके इतने लाइट कपड़े मत पहनिए, वाइट और लाइट कलर के तो बिल्कुल मत पहनिए, गर्ल्स को नहीं पहनने चाहिए, आप लोगों को पता ही है कि भीगने के बाद बहुत ही खराब लगता है। हो सके इतने डार्क कपड़े पहनिए और पतले कपड़े पहनिए ताकि अगर आप भीग भी जाते हो तो मतलब सूख जाते हैं थोड़ी देर में, अगर आप जीन्स वगैरह पहनोगे मोटे कपड़े जो होते हैं वो तो वो नहीं सूखते हैं और ऊपर से आपकी स्किन में वो इरिटेशन करते हैं, रैशेस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाते हैं। तो हो सके इतना जीन्स अवॉइड कीजिए, लाइट कपड़े पहनिए, लाइट वेट के जो पतले होते हैं और डार्क कलर के पहनिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। हो सके तो साथ में एक पैर और भी क्लोथ्स रखिए ताकि जब भी जरूरत पड़े तो आप कहीं पे भी अपने कपड़े चेंज कर सको। उसके बाद बात करते हैं शूज वगैरह जो होते हैं, सॉक्स वगैरह होते हैं, पैर में से बहुत गंदी बदबू आती है, स्पेशली मॉनसून में बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो आप क्या कर सकते हो कि वहां पे आप है ना परफ्यूम तो कर सकते हो, परफ्यूम से कुछ नहीं होता, लेकिन परफ्यूम से भी ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा कई बार बहुत स्ट्रांग स्मेल होती है शूज वगैरह की, सॉक्स वगैरह की मॉनसून में, कि परफ्यूम भी असर नहीं करता है कभी कभी तो इतनी स्ट्रांग होती है। तो आप क्या कर सकते हो, लौंग जो आते हैं, इलायची जो आती है वो जो है, कपूर जो आता है उसकी गोटी आती है वो सब, या फटकड़ी आती है वो सब आप अपने शूज के अंदर रख सकते हो तो ताकि उसकी सारी जो बदबू है वो चली जाएगी और आपके शूज या सॉक्स में से बिल्कुल भी जो गंदी स्मेल आती है मॉनसून में वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको जीन्स पहनना ही पड़ा, ठीक है, तो बारिश होती है तो बहुत ज्यादा, जब बारिश होती है ना तो दो दो तीन तीन दिन तक कपड़े सूखते नहीं है, आप लोगों को पता है, स्पेशली जो जीन्स वगैरह होते हैं वो नहीं सूखते। तो क्या कीजिए कि चलो कि फॉर एग्जाम्पल कि 50-60% सूख गया है जीन्स, तो उसके बाद आपको पहनना ही है, अभी कोई रास्ता ही नहीं है कि आपको ये वाला जीन्स पहन के जाना ही है, तो क्या कर सकते हो, आप आयनिंग कर लीजिए। आइनिंग से क्या होगा, बाकी का जो 30% जितना पोर्शन जो गीला था जींस का वो हो जाता है ड्राई और ऊपर से उसमें जो बदबू है वो भी चली जाती है और आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं करती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 70-80% जब कपड़े सूख जाते हैं उसके बाद आपको कंपलसरी पहनना ही है तो आप उसको आइनिंग कर लीजिए, उसकी वजह से आप पहन सकोगे और जल्दी से इंस्टेंट ड्राई हो जाते हैं गाइस, ये वाले जो कपड़े हैं ना आइनिंग से इंस्टेंट ड्राई हो जाते हैं और बदबू भी चली जाती है, तो ये भी अच्छा है।
उसके बाद बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि मच्छर और मक्खी का जो होता है मानसून में, पूछो ही मत, इतनी आती है। और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में मक्खियां भी आती है, बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि बच्चे होते हैं वो बहुत सारा घर गंदा करते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? मैं पर्सनली करती हूँ गाइस, आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑल आउट वगैरह है, मॉर्टिन है, मतलब बहुत सारे है, कुछ काम नहीं करते हैं। जितना भी हम लगा ले 24 आवर्स तक ऑन रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, रेड वाला जो आता है उस पे रखते हैं, हाई पे रखते हैं, फिर भी मच्छर को कोई असर नहीं होती है। वो एज इट इज घूमते हैं घर में बिंदास, वो मरते नहीं है मतलब की। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो मच्छर का रैकेट भी आता है मार्केट में, 100-150 का आता है, वो ले सकते हो, मच्छर मारने का रैकेट आता है अगर आप लोगों को पता। और दूसरा जो है वो ये है कि घर के कोने जो होते हैं जो वहां पे आप कपूर एंड नीम के पत्ते का धूप कीजिए, धुआं कीजिए सारे घर में। शाम जब हो जाती है, जब अंधेरा होने लगता है, 6-7 बज जाते हैं, तब आप घर में उसका धुआं करेंगे तो सारे मच्छर मक्खियां चली जाएंगी और नहीं आएंगी। और साथ में जब पोछा लगाते हो झाड़ू पोछा के टाइम पे, तब आप ऑलवेज फिनाइल ऐड कीजिए ताकि मक्खियां जो है वो चली भी जाएगी, क्योंकि फिनाइल की स्मेल उनको पसंद नहीं होती है, तो वो डेफिनेटली मक्खियां दूर हो जाती है, तो फिनाइल यूज कीजिए। और दूसरा जो है ये कपूर और नीम के पत्ते से धूप कीजिए पूरे घर में, तो आपके घर में मच्छर मक्खियां डेफिनेटली नहीं आएगी गाइस, और जो बीमारी होगी वो भी चली जाएगी। और उसके बाद जो आता है वो ये है कि अब ज्वेलरी मत पहनिए, जितनी भी ज्वेलरी आप पहनोगे तो क्या होता है कि वो तो गंदी होगी, पानी उतरेगा तो वो डल हो जाएगी, कलर निकलने लगेगा, वो सब तो होगा ही, उसके साथ आपकी स्किन पे भी प्रॉब्लम आएंगे, इरिटेशन होता है, इन्फेक्शन होता है स्किन पे, यहाँ पे रैशेस हो जाते हैं। तो हो सके इतनी ज्वेलरी अवॉइड कीजिए, मत पहनिए ऐसे मॉनसून के टाइम पे। ज्यादा से ज्यादा इयररिंग्स पहन सकते हो, बाकी नेक में कुछ ना पहनिए, हो सके इतना अवॉइड कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट वाला जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि कबाट में तो कपड़े में भी, बेल्ट में भी, जो जो चमड़े की चीजें है गाइस, चंपल जो आते हैं कोल्हापुरी टाइप के, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें फंगस आ जाती है। अब देखना आपके पास भी जो अगर चमड़े के चंपल है या बेल्ट होते हैं ना, मेल्स के जो बॉयज के बेल्ट होते हैं उसमें भी फंगस आ जाती है, तो वो सबसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर भी थोड़ा ऑयल लगा सकते हो। और अगर फंगस आ जाती हो तो पहले आप एक पोछा ले लो जिसमें डेटोल डाल दो और सारा चंपल वगैरह जो है या बेल्ट वगैरह है उसको धो दो। धोने के बाद जब धूप निकलती है तो 2 दिन तक धूप में रखो, एज इट इज रखो, ताकि सारे जो जम्स है वो मर जाए, चले जाए। और फिर उसको अच्छे से किसी बैग में पैक करके रख दो ताकि फिर से फंगस ना लगे। और लास्ट वाला जो है वो ये है कि आप जब भी बाहर जाते हो तो जिप पाउच लेके जाइए, जिसमें आप अपने फोन्स, अपने कार्ड्स, अपने पैसे, अपनी जो जरूरी चीजें हैं वो रख सको। और जिप पाउच बहुत ही सस्ता आता है गाइस, अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो हम सबके घर में पॉलीथीन बैग तो होती है कहीं ना कहीं, अभी बैन कर दिया है मुझे पता है, मैं उसका प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो कुछ नहीं है, आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, ना आपके पास टाइम है, तो उसमें भी आप रैप करके अपने साथ ले जा सकते हो ताकि आपका जो है कोई सामान बिगड़े नहीं। और बैग भी वाटरप्रूफ रखिए ताकि कुछ भी गीला ना हो। तो बस आज के वीडियो में यही था, हो सके इतने मैंने कवर किए हैं। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट रह गया है, वो ये है कि गाइस आपने देखा होगा कि नमक है, गुड़ है, गुड़ देखोगे तो पिघलने लगता है, जैसे समर में पिघलता है वैसे। बिस्किट आप देखोगे तो जब आप निकालते हो बिस्किट तो वो भेज की वजह से मतलब क्या हो जाते हैं, वो जो क्रंचीनेस है वो चली जाती है उसकी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लूज हो जाते हैं, लोचे टाइप के हो जाते हैं। तो आप वो सब क्या कीजिए कि जितना जरूरत है उतना ही यूज कीजिए, और नहीं है तो आप उसको एयर टाइट कंटेनर में, डब्बे में रखिए ताकि जो वो भेज आ जाता है वो ना आए और वो एज इट इज रहे। और हो सके इतना कहीं पे भी पानी भरा मत रखिए, मटके के नीचे या अपने बाथरूम वगैरह में, वहां पे पानी मत रखिए, क्लीन रखिए, ड्राई रखिए, तो मच्छर नहीं आएंगे ना ही बीमारी आएगी। तो बस आज के वीडियो में यही था गाइज, अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, और जिनको भी जरूरत है ये मॉनसून की तो हर किसी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको भी हेल्प मिले। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।